असलम दोस्तों, मैं हूं बशीर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम हूँ मिस्टर बशीर टेक्निकल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी वीडियो को एडजस्ट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, किस तरह से इफेक्ट लगा सकते हैं। इसका हमारा जो कोर्स है कमटेसिया स्टूडियो 8 है जी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको आज कमटेसिया स्टूडियो 8 पर वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा और कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा कि जूम आउट कैसे करते हैं पिक्चर को या वीडियो में, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे ज़ैर करते हैं जूम करके। ठीक है, अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, अपनी मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को तो हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की मुख्तलिफ वीडियो देखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहले फ्रेंड, मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर अपने मोबाइल अपने कंप्यूटर से उठा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ इंपोर्ट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करना कर सकते हैं, या तो मेरे पास ऑलरेडी डेटा पड़ा है, मैं डबल क्लिक करूँगा तो फ्रेंड माउस का तो नहीं आएगा। आपने यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है और इम्पोर्ट पर क्लिक कर देना। ठीक है, इम्पोर्ट आ फाइल, ठीक है, नेक्स्ट यस करना। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने यहाँ पर क्लिक करना है इम्पोर्ट करना है ना, तो दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा हमें। ठीक है, इम्पोर्ट ओपन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये देखें तो यहाँ पर आने के बाद इम्पोर्ट है मीडिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने आना है कोई भी चीज़ उठा लेनी, मिसाल के पास ये मैं उठा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ओपन, तो मैंने इसे ड्रैग करके नीचे लेकर आया। ठीक है दोस्तों, टाइम लाइन पर, ठीक है, ये ट्रेस वन लाइन। ठीक है, ये वाली नीचे ऑडियो की लाइन है। ठीक है, और ये वीडियो के लिए होती है। ठीक है, ये देखें इसकी ऑडियो, हम अगर आप इसकी ऑडियो को बाहर करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, स्प्रे वीडियो एंड ऑडियो। ठीक है, ये देखें ये ऑडियो अलग हो गई, तो मैं इसकी ऑडियो को कर देता हूँ रिमूव, करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं करनी दोस्तों। तो अगर आप इस वीडियो का जो आपका ये साइज है आप बड़ा करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर आना है, ये देखें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से आकर इस जगह पर आपने आना है, और यहाँ से आकर आपने फ्रेंड्स यहाँ से कोई भी आप इफेक्ट अपना तरतीब से जो भी आप देना चाहते हैं साइज़ आप दे सकते हैं। ठीक है, मैं यही साइज़ देता हूँ, ओके करता हूँ, और ओके करता हूँ, ओके का बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हमारे पास आते हैं इफेक्ट वगैरह जो अपने अप्लाई होते हैं। दोस्तों, लाइब्रेरी में आने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी अमेजिंग इफेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, बने बनाए स्टिकर वगैरह और भी काफ़ी अमेजिंग चीज़ें, ये देखें ये सारे पड़े हैं, डिस्प्ले कवर वगैरह। ठीक है, ये देखें यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं आसानी से थीम बनाकर अपने। ठीक है दोस्तों, तो ऑडियो लेवल यहाँ से ऑडियो भी आपको मिल जाती है। ठीक है, मैं ऑडियो म्यूज़िक आपको दिखाता हूँ, ये देखें म्यूज़िक में आ गए हम, ये देखें। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे पास ये आता है, तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। इसका यूज़ कैसे किया जाता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। मैंने इस चीज़ को ज़ाहिर करना है ना, ये यूट्यूब को, ठीक है, मैंने इस तीर को इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या करना है, इसे पहले रोटेट कर लेना। रोटेट करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ से क्लिक करना है आपने, ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ से रोटेट इस तरह करना है आपने। ठीक है दोस्तों, फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर क्लिक करके ऐड यहाँ पर आ जाना है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, आपने यहाँ पर ऐड एनिमेशन पर क्लिक कर देना है, और आपने क्या करना है, इस तरह से इसे आगे खींचते हुए लेकर जाना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, फिर आपने इसे छोटा भी कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, ये देखें यहाँ पर, ठीक है, ये देखें, ओके, इधर समझे। अब क्या करना है, मैं दोबारा आता हूँ बैक साइड में और थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करते हैं हम, तो ये देखना अभी। अस्सलाम दोस्तों, दोस्तों मैं मुबशिर, आप ये देखें थोड़ा सा मैंने इसे रोड इस तरह से इसे खींच रहा है इसे। ठीक है दोस्तों, अब ये देखना, मैं इसके वॉइस को डिलीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है दोस्तों, तो ये देखना अभी, तो दोस्तों ये देखें बिल्कुल वैसे ही जा रहा है ना दोस्तों, ये देखें रोटेट मैंने जैसे किया है वैसा ही जा चुका है यहाँ पर, ये देखें। इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए तीर की मदद से खींच एनिमेशन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें और भी काफ़ी सारे आप इसी तरह यूज़ करना चाहते हैं। अगर यहाँ से मैं ये वाला एरिया अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहता, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इसे क्लिक करूँगा और फ्रेंड मैं यहाँ पर क्लिक रख दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये देखें इधर, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो इतना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखें, तो यहाँ पर मैं रख दिया और मैं इसे प्ले कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखें अब मेरा नाम ज़ाहिर नहीं हो रहा, किस नाम का चैनल है, कौन है, क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप रिमूव छुपाना चाहते हैं। और आगे इसमें नीचे आ जाना, आपने इफेक्ट हैं, ठीक है दोस्तों, काफ़ी ये तीर दिए गए हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं ईजिली आसानी तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये फुल साइज कर लिया मैं, ठीक है, ये देखें ये बहुत अमेजिंग होती हैं, आप यूज़ करेंगे ये वाले। ठीक है,
किसी भी एरिया, यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं आप, ये देखें ब्लैक साइड, ये एडिटिंग में यूज़ होता है जो आप अक्सर वीडियोस में देखते हैं प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है दोस्तों। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे ब्लर करना चाहता हूँ, इसे करना चाहता हूँ, ये देखें ब्लर हो चुका, ठीक है। ये देखें अब तो ये जो है ना, ये पेज ये बहुत अमेजिंग है, ये आपको बहुत, ये देखें हल्का वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे ये कलर है, ये देखें कलर में आने के बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ मुबशिर, तो मैंने ये मुबशिर लिख दिया, ये देखें, ठीक है। और मैं इसे का साइज़ बड़ा कर सकता हूँ, साइज़ कैसे बड़ा करते हैं, आना यहाँ पर, आने आपने यहाँ पर क्लिक कर देना, और कलर में आने के बाद कलर चेंज कर देना, और फॉन्ट में आने के बाद कुछ फॉन्ट चेंज कर देना, ये देखें। और यहाँ से भी इसे आप बड़ा वगैरह कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ओके। और भी काफ़ी ये देखें, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। टूल दिए गए हैं यहाँ पर, ये देखें Ctrl V, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl V, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, बटन भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, समझ आए दोस्तों। तो आगे हमारे पास आता है ये इफेक्ट, इफेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से किसी भी इफेक्ट को, ये देखें बटन मैंने प्रेस किया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं ऊपर के, आप F1 क्या लिखना है, क्या क्या लिखना है, ठीक है। जो आप की बताते हैं शॉर्टकट, तो ऊपर आप इजीली लिख सकते हैं, F1 दबाएं, ये दबाएं, ठीक है। ये बहुत अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, इसका नाम कमटेक्स स्टूडियो। हमारा अब मेन टॉपिक आता है दोस्तों, हम किसी भी चीज़ को जूम करना चाहते हैं तो किस तरह जूम करें, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आपको ये जूम पैनर मिल जाता है, ठीक है, जूम एंड पैन, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करें, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इसे जूम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह करना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से एडजस्ट करते हुए यहाँ पर आ जाना, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अब मैं इसे प्ले करूँगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद अब मैंने फिर पूरा कर दिया, ठीक है दोस्तों, ये फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा किया मैंने, ठीक है। अब प्ले करता हूँ बैक साइड में जाकर, तो ये मैंने प्ले कर दी वीडियो, तो आप देखेंगे कितना जूम करता है ये अमेजिंग जो इफेक्ट हमने लगाया, ठीक है दोस्तों, ये देखें, ठीक है, ये बैक हो चुका, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह जूम करते हैं, अब किसी और ऑब्जेक्ट को हम जूम करके देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हम चाहते हैं ये यार इसका नेम ज़ायरो हमें, ठीक है। यहाँ पर इसे करने के बाद हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, यहाँ पर नेम ज़ायरो कर रहा, ठीक है। इसे हमने थोड़ा सा इस तरह प्ले किया, और फिर दोबारा हम आते हैं, इसे बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है ओके। अब ये देखना, अब दोबारा प्ले करता हूँ बैक साइड में जाकर, तो दोस्तों ये देखें प्ले कर दिया इसने, बिल्कुल वैसे प्ले किया दोस्तों, ये देखें, ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स ओके, बैक हो जाता है। इस तरह आप जूम आउट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट है मीटिंग, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करना, कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है दोस्तों ओके फ्रेंड्स। तो इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ से ये टूल ऑडियो लाइब्रेरी, इसे मैं बैक करता हूँ, यहाँ से ऑडियो लेकर आ जाता हूँ बाहर। आप अगर कोई आपसे मिस्टेक होती है तो आपने क्या करना, Ctrl Z प्रेस करना, ठीक है दोस्तों, उसकी मदद से आप वो वॉइस दोबारा अपनी रिकवर कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए मैं एक यहाँ से दोबारा वीडियो कोई और कर लेता हूँ, ये वाली, ठीक है, ये मैंने ऐड की, ठीक है दोस्तों, ऐड मैंने की, ये देखिए। तो इसकी अगर मैं वॉइस वगैरह चेंज करना चाहता हूँ तो किस तरह करूँगा, वॉइस पर क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पर ऑडियो में आएंगे, ये देखें, आप कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं वॉइस को, ये देखें, ये आवाज़ इसकी बढ़ रही है, प्ले यहाँ से, ये देखें, ठीक है, ये फुल हो चुकी है, ये देखें, ये अब अप डाउन करता हूँ दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल कम हो गया, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ से इसकी अपनी इको फॉर्म वगैरह देख सकते हैं, यहाँ से इनेबल वॉइस रिमूवर कर सकते हैं, ये देखें चेंज हो चुके दोस्तों, और भी रिमूव कर सकते हैं, ये देखें अपने हिसाब से इसकी आवाज़ को। यहाँ से आकर आपने यहाँ जाना, नीचे लो कर देते हैं कस्टम, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं यहाँ से अपनी वॉइस खुद, तो आप खुद भी बना सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल कम कर दी मैंने इसे, और बढ़ाता हूँ, ये देखें बढ़ा दी मैंने। तो इस तरह से अपनी ये आवाज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमारे पास आता है आगे, हम ये पिक्चर यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ से कुछ पिक्चर मैंने ऐड की और यहाँ से अप्लाई कर दी, ठीक है। इसमें अब इफेक्ट देना, इफेक्ट कैसे दें, यहाँ पर आ जाना अपने ट्रांसपेरेंट पर, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर इसे आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ईजीली, ये देखें, ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। अब प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसे, ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा,
तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मुख्तलिफ इफेक्ट है, आप मुख्तलिफ इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इनका साइज़ बढ़ा सकते हैं। साइज़ कैसे बढ़ाते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। साइज़ बढ़ाने के लिए आपने यहाँ पर वन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे खींच कर साइज़ बढ़ा लेना, ठीक है दोस्तों ये देखें, ठीक है ओके। इसी तरह हम सबको कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ से आ गया मैं, आगे क्या करना है मैंने यहाँ से इसे भी कर देना, ठीक है दोस्तों साइज़ बढ़ा देना, इसका भी साइज़ बढ़ फ्रेंड मैंने बढ़ा देना, ठीक है ये देखें ओके। आप देखिए फ्रेंड, अब मज़ा ही आएगा ये देखें, ठीक है ये देखिए, ठीक है अपने इस अब काफ़ी इफेक्ट पड़े हैं आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जैसे कि वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ वो वीडियो मेरी किधर गई, ये रही ना, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं तीर पर जो निशान आता है वो आज अस्त्र हमारा हमारा तीर बिल्कुल अच्छी तरह जहर हो, तो वो तीर को कैसे जहर करते हैं, ठीक है दोस्तों वो मैं आपको अब समझाने वाला हूँ। बहुत अमेजिंग चीज़ें अगर आप ये समझ लेंगे वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है तो आपके लिए आपका भी बहुत फ़ायदा। यहाँ पर इफेक्ट में आने के बाद आपने इसे क्लिक करना है वीडियो पर और यहाँ पर आपने हाईलाइट कर देना है और इसे भी आपने रैंकिंग कर देना है और इसे आपने वन पर क्लिक कर देना। आप देखना तीर कैसे हमारा यूज़ होता है दोस्तों, जो मैंने ये यूज़ कर रहा हूँ वो हाईलाइट कर देगा चीज़ को, ठीक है। हम ये देखें यहाँ पर खड़ा है तो ये मैं बात कर रहा हूँ, बट जब ये काम करेगा तब देखना, ठीक है दोस्तों ये देखें हाईलाइट कर रहा है ना दोस्तों, ये इस तरह से ये बहुत अमेजिंग है। ये हर चीज़ हर किसी को नहीं पता होता यार, ठीक है इसे समझना पड़ता है। मैं ऐसी बातें आपको बता रहा हूँ जो हर कोई इस बहुत ही आसानी से नहीं बता देता, ठीक है आपको बहुत ही आसान चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप एडिटिंग बहुत ही अपनी बेस्ट एडिटिंग बना सकें अपनी वीडियो को और जितनी क्वालिटी और भी दे सकते हैं आप, ठीक है। इसके लिए आप ऑडियो जो सॉफ्टवेयर होता है ऑडासिटी उसे आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी वॉइस को और इंक्रीज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी आप अपनी वॉइस बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। वो भी आप उस पर भी मैं आप वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से इको वगैरह उसमें इको दी जाती है और किस तरह से नॉइज़ रिमूव की जाती है, ठीक है दोस्तों। उसके लिए बहुत जल्द आपको वो भी वीडियो में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आगे आपको दोस्तों ये कुछ टाइम लाइन के बारे में बता देता हूँ यहाँ से ये, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपने क्या करना है, हमारे पास ये पहले जूम आउट जूम इन, ठीक है ये देखें जूम आउट जूम इन, आगे हमारे पास ये आता है, ये एरो होते हैं आगे पीछे करने के लिए, ठीक है ये देखें इसको, ठीक है लेकिन ये इतने खास नहीं होते, आप इन चीज़ों को समझिए ये बहुत अहम चीज़ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसे कट करने के लिए कैंची की मदद से हम पूरा ही कट कर देंगे, ठीक है ओके। तो यहाँ पर इतना पीस रखना चाहता हूँ मैं, इसे कट करता हूँ इतना पीस रखा। अगर आप चाहते हैं इसको स्लो मोशन में करना तो स्लो मोशन में कैसे करते हैं दोस्तों, दोस्तों स्लो मोशन में करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पर राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ पर ये स्पीड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप स्लो करना चाहते हैं 50 कर दें 80 कर दें जितना आप नीचे आप जाते हैं 50 करना है आपने 70 करना है जो करें, मैं करता हूँ ठीक है 120 फास्ट करता हूँ, ये देखें फास्ट हो चुका है आइए देख सकते हैं, ठीक है। स्लो करना चाहते हैं दोबारा इसी तरह आप आएँ आप यहाँ पर क्लिक करें और वन तकरीबन आप 19 कर दें, ठीक है 19 ठीक है ये दोस्तों ठीक है ओके फ्रेंड्स, ये हो चुका हमारा। इस तरह से आप इसे स्लो मोशन और हाई स्पीड में कर सकते हैं इजीली। तो इसके बाद हमारे पास आता है फ्रेंड टूल, यहाँ पर सेव किस तरह करते हैं, ठीक है दोस्तों। सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ये से क्लिक करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ से कोई भी साइज लेकर आप इजीली इसे सेव कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है कस्टम आपने खुद बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है और जो मर्जी साइज करना चाहे, मैं इसे सेव नहीं करना चाहता। और अगर आप चाहते हैं कि यार ये हम ये काम कर रहे हैं ना दोस्तों, हमारे पास ये जो दूसरी चीज़ें हैं ये आगे पीछे हो रही हैं, आपने इस लेयर को यहाँ से लगा देना लॉक, ये देखें अब ये बिल्कुल कुछ भी नहीं होगी लेयर पर, कोई मैं वर्क करूँ तो इसे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं इन्हें छेड़ सकता हूँ, ये देखें इन्हें छेड़ सकता, अगर यहाँ पर लॉक लगाता हूँ तो ये देखें ये भी नहीं रही, ये हिलेगी भी नहीं, ठीक है दोस्तों। इसका ये फ़ायदा होता है यार हम अक्सर कुछ काम कर रहते हैं यहाँ से, हम तीर वगैरह को सेटिंग कर रहते होते हैं तो यहाँ पर वो हमें प्रॉब्लम इस चीज़ की सोल्यूशन ये होता है कि वो हमारे दूसरा ऑब्जेक्ट भी आगे पीछे हो जाता है, वो हमें सेटिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बता दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है जो कि आपके लिए बहुत ही अहम है। ये चीज़ें वीडियो में इस्तेमाल होती हैं, बाकी तो आप खुद समझ पाएंगे। ये देखिए मैं ऐसे आपको ये टूल्स वगैरह काफ़ी पेज बताता रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ये कोई इतना नहीं होता, ठीक है ये यूज़ नहीं होता, जो मेन चीज़ ये चीज़ें होती हैं जो कि मैंने आपको बता दी, ठीक है दोस्तों। हर चीज़ मैंने क्लियर कर दी जो कि एक वीडियो में आपको देख आप यूज़ करने में आपको मदद देंगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ये बता दूँ यहाँ से आप अपने जूम आउट इसे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है
लेकिन 25 पर बेस्ट होता है हमेशा, हर कोई 25 ही रखता है, ठीक है, इसलिए 25 ही मैंने ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप सेटिंग में आकर अपने हिसाब से अपना हिसाब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो पहली सेटिंग है वो ही बेस्ट है, ठीक है, तो मैं यहाँ ही करता हूँ ओके। तो यहाँ से आ जाए, ठीक है, दोबारा कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड ये जो सेटिंग है ये बहुत ही अमेजिंग सेटिंग होती है, जो कि मैंने आपको बताई है, सारी सेटिंग बताती है, ठीक है दोस्तों। अगर आप टाइम लाइन को बड़ा करना चाहते हैं, इसके बाद में मैंने सारा कुछ समझा दिया आपको फ्रेंड, ठीक है ओके। फ्रेंड यहाँ पर हमने इसे रख लिया और अब हम आ जाते हैं किसी और इफेक्ट में, सब कुछ समझा दिया दोस्तों, और कोई चीज़ नहीं जाती दोस्तों। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो यार वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को तो हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।